एक और मुद्दा है जिसको इन चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया गया, खासतौर से बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ओपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाए और बताए देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पर वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना का, और कोई कारण नहीं है। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट? ये तो यार पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं सरकार बनाने के लिए दीजिए, और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहता हूं, आप गर्व से कह सकेंगे, आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे या आप धनुष तीर पर बटन दबाएंगे, आप सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाले। माफी मांगो इस देश से, माफी माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो, माफी मांगो देश से, देश के गरीबों से। यही एक दिन देखना बाकी रह गया था।